सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और आज है संडे का दिन, तो मेरे पौधे बहुत बुरी तरह से ख़राब हो चुके हैं, तो आज मैं इनका कटिंग वगैरह कुछ करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि पतझड़ का मौसम शुरू हो गया है, तो सारी ही पत्तियाँ पीली पड़ गई हैं और नई पत्तियाँ आना शुरू हो गई हैं। तो कुछ कुछ में ऐसे नई पत्तियाँ आ चुकी हैं और ये फ्लावर बहुत प्यारा खिलता है। जैसे जैसे धूप बढ़ेगी वैसे वैसे ये खिलना स्टार्ट हो जाता है। और ये इतने खूबसूरत से फ्लावर ऑलरेडी यहाँ पे हैं। और ये है मेरा पौधा जिसके मुझे इसकी आज कंडीशनिंग थोड़ा सही करनी है। और ये कि फ्लावर है जो कि बहुत प्यारा से यहाँ पे खिला है। तो पहले मैं इसकी सारी पीली पत्तियाँ निकाल दूंगी। बहुत प्यारा है, मेरा गुलाब खिलता था बट अभी पूरी तरीके से ख़राब हो चुका है। इस पौधे के पीछे मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी, फिर भी उतना अच्छा रिजल्ट मुझे नहीं मिला। पता नहीं क्या ही इसको हो गया है, सारी पत्तियाँ ऐसे ख़राब हो चुकी हैं। बढ़िया से अब खिलते रहते हैं। और ये ऐसे ही खिल गए हैं, ना मैंने कुछ किया है अपने आप से, और जिन पे मैंने इतनी ज़्यादा मेहनत करी है उनका हाल बहुत ज़्यादा बुरा है। ये है जिन पे मैंने दिन रात मेहनत करी है, ये हालात हैं इनके। और ये भी ऐसे हो चुका है, ये थोड़ा ठीक ठाक है, इसको आज मैं नीचे रख दूँगी। जहाँ जहाँ जरूरत है थोड़ा थोड़ा मैं इसकी कटिंग कर दूंगी। तो मैंने इतना सारा वेस्ट मटेरियल पौधे से निकाल दिया है जो कि पूरी तरीके से ख़राब था। और ख़राब पत्तियाँ पौधे में रहती है तो उसकी ग्रोथ में रुकावट बनती है, क्योंकि पौधे की सारी एनर्जी पत्तियों को पीला करने में चली जाती है, तो अच्छे से ग्रो भी नहीं करता पौधा। अब मैंने इसका पूरी तरीके से मुंडन कर दिया है, तो देखो कब तक इसमें ग्रोथ आती है। और इसके बाद मैं थोड़ा सा खाद वगैरह भी डाल देती हूँ। और ये मैं लाल लाल ब्रश रखा है इसकी पत्तियों को
साफ करने के लिए ब्रश से। अलग ही प्राणी है भाई वो, तो क्या ही बोलूं। पर पौधे में पानी लाला ही देता है मेरा हमेशा। ये है थोड़ी सी खाद, इसको मैं थोड़ा सा डाल देती हूँ पौधों में। देखो क्या असर आता है इसका। अब मैं इसमें हल्का सा पानी डाल देती हूँ।